आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है आज सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता अपराध है या नहीं इस पर आज अपना फैसला सुनाएगा। और सुबह की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि 97,000 वैकेंसी है लेकिन उनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि सिर मुड़वाकर बिना कंपटीशन के नौकरी मिल जाएगी वे समझ ले ये असंभव है। और सुबह की अगली खबर महाराष्ट्र पुलिस को लेकर है, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के कथित नक्सल लिंक मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सीलबंद सबूत दिया है। और सुबह की अगली खबर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को लेकर है, जहां उपराष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि गुरु लोगों को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु ही जीवन मूल्य और दृष्टि भी प्रदान करता है, हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त है। और सुबह की अगली खबर अभिनेता दिलीप कुमार को लेकर है, जहां सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और सुबह की अगली खबर राजस्थान के डंगूरपुर शहर से है, जहां देश का सबसे पहला रोटी बैंक खोला गया है। यहां पर लोगों को दोपहर में निशुल्क भोजन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत नगर परिषद के सभापति और स्वच्छ राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता के पहल पर की गई है। और सुबह की अगली खबर सऊदी अरब से है, जहां सऊदी अरब सरकार का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना या आलोचना करना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए आरोपी को जुर्माने के साथ साथ 5 साल की जेल भी हो सकती है। और सुबह की अगली खबर कर्नाटक से है, जहां कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने गनमैन से जूते और पजामे के धूल साफ कराते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में उनकी काफी आलोचना हो रही है। और सुबह की अगली खबर SC ST एक्ट को लेकर है, जहां केंद्र सरकार द्वारा SC ST एक्ट में संशोधन लाए जाने के विरोध में करनी सेना की अगुवाई में सवर्ण समाज ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं आंदोलन को देखते हुए मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप आज शाम 4 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया है। और सुबह की अगली खबर BJP अध्यक्ष अमित शाह को लेकर है, जहां शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अंगद के पैर की तरह मजबूत है और उसे कोई नहीं उखाड़ सकता, और मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा चौथी बार सरकार बनाएगी। और सुबह की अगली खबर हरियाणा के कैथल से हमारे संवाददाता मनोज मलिक बता रहे हैं कि NH-65 बाईपास पर नहर के ऊपर से गुजरने वाला निर्माणाधीन पुल अचानक गिर पड़ा। हालांकि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निर्माण के दौरान पुल का गिर जाना लापरवाही को दर्शाता है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से हमारे संवाददाता मुखबिर सिंह बता रहे हैं कि बदायूं जिले में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रभारी महिला थाना द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया तथा बच्चों को शिक्षक दिवस के बारे में बताया गया। और अगली खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो को लेकर है। इस वीडियो में एक छोटा बच्चा जन्माष्टमी के अवसर पर बाल गोपाल बना है और माखन की कटोरी पकड़ने के लिए उत्सुक दिख रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो ये थी आज सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।